चैनल। मैंने आज सोचा क्यों ना मास्क बनाए और इसको अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करें। तो आज हम मास्क बनाएंगे, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने इतना बड़ा बलून फुला लिया है। अब हमने इतने सारे पेपर्स कट कर लिए हैं। सोच रहे होंगे आप लोग के कचरा क्यों इकट्ठा कर लिया, लेकिन रुके रुके अभी हम आपको बताते हैं कि क्यों ये कचरा इकट्ठा किया है हमने। अब हम इस बलून के ऊपर इन सारे पेपर्स को चिपकाएंगे ग्लू की मदद से। अब आप लोग कोई से भी ट्रांसपेरेंट या वाइट ग्लू ले लेंगे और ये ब्रश, कितना सॉफ्ट है, ये मैंने मम्मा से लिया है। अब हम इस ग्लू की मदद से इन सारे पेपर्स को बलून पे चिपकाएंगे। अब हम इस पेपर पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू लग चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसको बलून पे लगा देंगे। इसी तरीके से हम इस बलून को कवर करेंगे, इतना बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा हमें मास्क चाहिए होगा। इजिप्ट की मम्मी की तरह हमने इसको पेपर से कवर कर दिया है। अब हम इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। तो गाइस हमारा बलून थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हम इसको फाड़ेंगे ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो। अरे यार ये क्या हो गया, मेरा सारा मार्क्स खराब हो गया। धूप थी नहीं, बादल थे, हमने भी जल्दी की क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हमने बलून को फाड़ दिया, लेकिन अब बेचारा मार्क्स डस्टबिन में गया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चार्ट पेपर बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से मास्क बना लूं। जाहिर है अब हमने एक चीज सोच ली है कि हमने मास्क बनाना है, तो बना के ही छोड़ेंगे हम लोग। अब मैंने चार्ट पेपर पे थोड़ी सी ओवल शेप और थोड़ी सी सर्कल शेप में एक शेप बना ली है। अब मैं इसको कट करूंगी। आज का तो दिन ही खराब है, कटर भी नहीं चल रहा, इसी वजह से मैंने कैंची उठा ली। सो फ्रेंड्स मैंने फेस के ऊपर स्टेपलर की हेल्प से इलास्टिक लगा दिया है और इसकी आईज भी बना दी है, क्योंकि ईयर्स और नोज लगाने के बाद इसकी आईज अच्छे तरीके से कट ना हो पाती। तो जो चीजें हमने कट की थी अब हम उसको फेस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ईयर्स लगाएंगे। मुंह
जैसा मैं चाहती थी मास्क बने वैसा तो नहीं बना। तो अगर आपको मेरा एलिफेंट वाला मास्क पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।